हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस, प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन पे कोई शॉर्ट नोट लिखने को आए या फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखने को आए, तो आप उसको किस तरीके से पॉइंट वाइज लिखें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. पॉइंट वाइज देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है जो कि एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है. अब एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस. कम्युनिस का मीन्स क्या होता है ये देखते हैं सेकेंड पॉइंट में. कम्युनिस का मीन्स होता है टू शेयर, यानी कि शेयर करना. सो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो बना है कम्युनिस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है. और कम्युनिकेशन का मीन्स फिर क्या हो जाएगा, जब कम्युनिस का मीन्स है शेयर करना, तो कम्युनिकेशन का मीन्स हो जाएगा कम्युनिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच पीपल ट्राई टू एक्सचेंज व्यूज टू ईच अदर थ्रू जनरल अवेयरनेस. जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लोग अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं जनरल अवेयरनेस के थ्रू. ओके, क्योंकि आप खुद ही इतना समझ रहे होंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है. कम्युनिकेशन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना ही हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन. लेकिन इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस सिर्फ बातचीत करना नहीं, उस जो बातचीत करना आप समझते हैं उसको किस और तरीके से रिटन फॉर्म में लिखते हैं, और हम कैसे अपने जब पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें कि हम ट्रांसफ़र करते हैं या शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को बिटवीन टू और मोर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में एक टीचर होता है जो कि कई सारे बच्चों को पढ़ाता है. तो ये जो कई सारे बच्चे हैं और ये टीचर इनको पढ़ा रहा है, कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन करके ही पढ़ाता है ना, और बच्चे उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस क्या हुई कम्युनिकेशन की. इसमें टीचर अकेला है और बच्चे कई सारे हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है. यानी कि कम्युनिकेशन में सिर्फ एक टीचर, एक सिर्फ दो लोग भी हो सकते हैं या फिर एक इंडिविजुअल और कई सारे लोग भी हो सकते हैं. अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस. आप जानते हैं वर्ड टू वर्ड जैसी होती है वैसी ही आपको याद करनी पड़ती है, बट इसमें वीडियो में इसको भी मैं समझा रही हूँ इसलिए जिससे कि आप चीज़ों को इजीली याद कर पाएँ. सबसे पहले देखिए, लिगेंस डिफाइन कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो लिगेंस के अकॉर्डिंग क्या हुई. कम्युनिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच टू और मोर पर्सन म्यूचुअली एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा. यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं किसका, आइडियाज़ का, फैक्ट्स का, फीलिंग्स का, इन सच अ वे दैट एवरीवन अंडरस्टैंड इट्स. मतलब कि जो दो लोग अपने एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, फैक्ट्स और फीलिंग्स को इस तरीके से कि सब लोग उस चीज़ को समझ सकें, अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट. ओके, सेंडर एंड रिसीवर कोऑर्डिनेट बाई मीन्स ऑफ मैसेजेस. अब देखिए, सेंडर और रिसीवर क्या हुआ और मैसेज क्या हुआ. मैसेज इसमें मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप चीज़ों को समझ सकें. सेंडर वो हुआ जो कम्युनिकेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल जो बोलता है, ठीक है, और रिसीवर वो हुआ जो चीज़ों को सुनता है, और मैसेज वो हुआ जो बात बोली जा रही है. तो ये क्या हुई, एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस की डेफिनेशन हुई लिगेंस के अकॉर्डिंग. सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लिगेंस एंड वेगल. इन्होंने कैसे डिफाइन किया था कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन इज दैट प्रोसेस विच चेंजेस द आइडियाज, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल बाई यूजिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड डिसीजन अंडर द सोशल सिस्टम. कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस हुई जो कि चेंज करती है, जो कि आइडियाज़, ओपिनियंस और एटीट्यूड्स को चेंज करती है लोगों में बाय द यूजिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड डिसीजन अंडर द सोशल सिस्टम. एक सोशल सिस्टम में किस तरीके से लोग अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके. थर्ड, जबकि जो कि सबसे इजी आपको लगेगी डेफिनेशन, सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले ये थर्ड वाली ही डेफिनेशन याद करें. सो अकॉर्डिंग टू एडगर डेल क्या हुआ, कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी. कम्युनिकेशन एक ऐसा मतलब एक
शेयरिंग ऑफ आइडियाज और फीलिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज का शेयर करना ही कम्युनिकेशन हुआ इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, म्यूचुअल यानी कि जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस है वो दोनों लोग म्यूचुअली उस चीज को शेयर करें, इन द मूड ऑफ म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स, यही हुई हमारी कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एडगर डेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें चीज़ों को बहुत ईजी वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, आई होप आप चीज़ों को समझेंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सिर्फ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ बात करना ही कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ये पर्सन है, ये मान लीजिए ये आप हैं और ये सेकंड क्या होगा, आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, आपके दिमाग में कोई एक थॉट आया, तो जो एक थॉट आया जिसको अभी आपने कहा नहीं है, बस आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ बोलना है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मैसेज कहेंगे, ठीक है। वो हुआ मैसेज, तो ये मैसेज हुआ। अब इसको इनकोड करना पड़ता है, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बोल के बताना चाह रहे हैं, तो उसकी इनकोडिंग क्या होगी, आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे वो हो गई उसकी इनकोडिंग, यानी कि बोल के बता रहे हैं, तो ये हुआ मैसेज की इनकोडिंग। और उसके बाद क्या कहेंगे, आप किसके थ्रू बोलेंगे, मान लीजिए व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं या फिर कॉल करके उसको कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो चैनल, चैनल को हम क्या कहेंगे, इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है, मीडियम, इसके थ्रू आप बोलेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिकोडिंग, डिकोडिंग यानी कि जो आपने बोला है वो आपका जो फ्रेंड है वो सुनेगा, सुनेगा और फिर उसको समझेगा यानी कि डिकोड करेगा। और फिर ये रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको रिसीवर, ये जो रिसीवर है ये आपके फ्रेंड, ये आप, आपकी बात को सुन लिया, तो फिर ये क्या करेंगे, ये फीडबैक देंगे, ओके। इसको मैं अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। सो ये क्या होगा, अब आपके जो फ्रेंड हो गए, आपने कोई भी बात जो इनसे कही है इस पूरी प्रोसेस के थ्रू, ये उसका फीडबैक देंगे आपको कि हाँ आपकी बात इनको समझ में आई। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात आपने कही है इतने पूरे इस फॉर्मेट में वो चीज़ इनको समझ में आई, तो ये उस चीज़ का रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, यानी कि समझ में आया है, तो ठीक है। ये क्या हुई, एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको और भी ईजिली समझेंगे आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वही जो चीज़ आपने कही है, बताई अपने फ्रेंड को, उसको कैसे रिटन फॉर्म में लिखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो। देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, जैसे कि आपने देखा एक आप और एक आपके फ्रेंड, यानी कि कोई भी दो लोग हैं जो ये उनसे कोई बात कहते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये क्या हुई, एक टू वे प्रोसेस हुई, यानी कि दो तरफ से चलने वाली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट मेरली द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं है कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, सिर्फ आपने अपनी बात बोल दी और बस कम्युनिकेशन खत्म होगी, ऐसा नहीं है। ये उसको भी इंक्लूड करती है कि जो आपने मैसेज दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर तरीके से हुई हो। थर्ड पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर एंड ही कन्वेज अ मैसेज टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ द पर्सन हु इज रिसीवर, यानी कि जो बात अभी मैंने एग्जाम्पल से बताई थी कि यानी कि आप हैं, ये आप हैं, तो ये जो मैसेज देता है, जो बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसिपिएंट लिखा है, इसको जनरली आप रिसीवर कहेंगे, तो ये क्या हुआ, रिसीवर। तो ये एक तरीके से एक रिसीवर कौन हो सकता है, एक अनदर पर्सन, सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज ही सेंड्स बैक अ रिस्पांस एक्नॉलेजिंग द मैसेज वाज रिसीव्ड, यानी कि जो रिसीवर होता है, जिसको ये मैसेज दिया गया है, उसको एक फीडबैक देता है, एक रिस्पॉन्स भी करता है कि भाई हाँ मेरे बात समझ में आ गई है। तो ये पूरी प्रोसेस है, यानी कि मैसेज देना और फिर उस मैसेज को समझने के बाद जो रिसीवर है उसके द्वारा ये रिस्पॉन्स करना, ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्या हुई, कम्युनिकेशन हुई। और ये सारे पॉइंट्स हुए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। लास्ट पॉइंट क्या हुआ, इसके बाद एक और पॉइंट, अभी मैं जो एक इसकी शॉर्ट समरी है वो बताऊंगी। लास्ट पॉइंट देखते हैं, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई वो क्या हुई, एक वो इन्वॉल्व करती है जो एक रिसीवर है उससे फीडबैक भी, ओके। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि क्या, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल वेयर द इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड
यहाँ पे कॉमा आ जाएगा डिलीवर्ड के बाद में, डिलीवर्ड रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुई कि जिसमें कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसा हुआ कि जिसको मैं क्या किया, एक जो सेंडर है रिसीवर है, सेंडर ने जो मैसेज दिया है वो रिसीवर तक पहुंचा, यानी कि मैसेज रिसीव हुआ, उसके बाद इनके समझ में भी आया है, यानी कि अंडरस्टूड भी हुआ। ओके, अब देख लेते हैं जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी उसमें एक तरीके से साइकिल फॉर्म में वो चल रही थी। तो उसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन हुए, एलिमेंट्स कौन होंगे जो उस प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं, जो उस प्रोसेस को चला रहे हैं, वही उसके क्या हो गया एलिमेंट्स। अब उस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व था इसको समझिए। नंबर वन मैसेज, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है, इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड। सेकंड कौन हुआ सेंडर, सेंडर हु सेंड्स द मैसेज, जो मैसेज सेंड करता है वो हुआ सेंडर। थर्ड हुआ इनकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, मैसेज क्या हुआ, एक तरीके से मैसेज हुआ, एक किसी भी इंसान के दिमाग में जो थॉट आया उसको कह दिया मैसेज। अब भाई उसको इनकोड, अब मैसेज दिमाग में आ रहा है, दिमाग थोड़ी ना कोई दूसरा इंसान पढ़ लेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी किसी के दिमाग के थॉट्स कोई पढ़ लेगा, तो जो मैसेज है उसको इनकोड करना पड़ेगा। उसको आप चाहे बोल के बताइए या फिर व्हाट्सएप पर टाइप करके बताइए, तो उसको क्या कर रहे हैं इनकोड करके। सो क्या हुआ इनकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, कि मैसेज को किस एक फॉर्मेशन दो फिर उसके बाद उसको कन्वे करो। फोर्थ पॉइंट हुआ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, बातचीत का मीडियम हो सकता है, यानी कि बोल के आप उसको बता सकते हैं, या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर लिख के बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया मीडियम हो गया, मीडियम में कुछ भी आ सकता है, टीवी न्यूज़ चैनल्स, ये वीडियो, जैसे कि ये यूट्यूब एक मीडियम हो गया। सो ये क्या हुआ कम्युनिकेशन चैनल का एक मीडियम हो गया। नेक्स्ट आता है रिसीवर, रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, यानी कि एक इंसान जो मैसेज दे रहा है और दूसरा जो रिसीव कर रहा है वो हो गया रिसीवर। सिक्स हो गया डिकोडिंग, अब रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव क्या कर रहा है, वो जो उन्होंने भेजा है उस चीज़ को क्या कर रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, फिर वो समझ रहा है। और सेवन्थ हुआ फीडबैक, फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स, यानी कि जो इनके समझ में आया है रिसीवर जी के वो इनको रिस्पॉन्स करना है फीडबैक की, ओके डन तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई है, ये हो गया फीडबैक या रिस्पॉन्स। अब देख लेते हैं बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि बैरियर एक्चुअल में क्या होता है। बैरियर जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है सेंडर, जैसे ये सेंडर है, अब इनको अपनी बात पहुंचानी है, ये रिसीवर यहाँ पे मैंने दूसरी साइड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंडर है, इनको रिसीवर को बात पहुँचानी है, लेकिन बीच में क्या है ये दीवार है, तो ये अपनी बात कह नहीं पा रहे, तो ये दीवार क्या हो गया, ये हो गया बैरियर, ठीक है, ये बैरियर हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही तो उसी को हम क्या कह रहे हैं बैरियर। अब इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं क्योंकि भाई एग्ज़ाम के लिए तो हमें कैसे लिखना है वो समझ में आना चाहिए ना। सो देखिए पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एनी फैक्टर इंडिविजुअल, फैक्टर के बाद कॉमा लग जाएगा, इंडिविजुअल सिचुएशन और एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एक्यूरेटली। एक बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जो कि एक सिचुएशन, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है और इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, जो कोई भी रिसीवर है यानी कि सेंडर रिसीवर है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनमें प्रिवेंट कर रहा है, उसको रोक रहा है और जो मैसेज है वो एक्यूरेटली नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे बैरियर। नेक्स्ट दीज बैरियर्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। जो ये बैरियर्स हैं ये उनके जो कि मतलब मान लीजिए जो रिसीवर है और सेंडर है इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कोई भी फ्रेंड है तो उसमें क्या हुआ, अब ये हो गया बैरियर, क्या आ गया बैरियर, आ गया नेट कनेक्शन, ठीक है। तो अब इधर मान लीजिए कुछ भी है, इनको रिस्पॉन्स चाहिए तुरंत, लेकिन वो क्या बैरियर आ गया आपकी नेट प्रॉब्लम, तो आपका मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहा, वो आप ऑफलाइन दिखने लगे इनको, तो ये क्या हुआ, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। सो बैरियर्स होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कन्फ्यूजन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर क्रिएट करते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स, मेनली कई सारे टाइप्स होते हैं बट यहाँ पे हम
तीन ही तरह के टाइप्स देखने वाले हैं, फर्स्ट एनवायरमेंटल बैरियर, सेकंड सिचुएशनल बैरियर और थर्ड वन इज इंडिविजुअल बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में क्या होगा, दीज आर द फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई भी ऐसी फिजिकल कंडीशंस जो कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इफेक्ट कर रही हैं, वो हो गए हमारे एनवायरमेंटल बैरियर्स, यानी कि जो एनवायरमेंट में फिजिकल कंडीशंस इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, लाइटिंग, अनकम्फर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड अनहाइजीनिक रूम्स कंडीशंस डिस्ट्रैक्ट लिसनर्स। फॉर एग्जाम्पल क्लास का ले लेते हैं एग्जांपल, कोई टीचर जी हैं वो अपना कोई भी बात स्टूडेंट्स को कहना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को क्या हो गया, बाहर से कोई भी डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा है, तबला, गिटार, सितार जो भी है वो बज रहा है, तो इन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम आ रही, तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या हुआ, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, नॉइज़ आ रही है, ये क्या हुआ, एक तरीके से बैरियर हो गया, इन्वायरमेंटल बैरियर में आ गया। या फिर लाइटिंग है वो प्रॉपर नहीं है, अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है, तो क्या होगा, इन बच्चों का मन मन नहीं लग रहा है टीचर जी की बात सुनने में, सो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हो गया सिचुएशन बैरियर्स। द फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन कॉज अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि डिस्टेंस, की एक सेंडर है और एक जो रिसीवर है उसके बीच में कई, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उनकी जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से बैरियर है। या फिर ये जो सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज, तो कई बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रॉब्लम कर रही है, शोर वगैरह हो रहा, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ये भी क्या हुआ, एक सिचुएशन ख़राब है यहाँ पे, तो सिचुएशन बैरियर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल लाउड म्यूजिक, नॉइज़ फ्रॉम जनरेटर्स और अदर अदर मशीनरी, यानी कि कोई भी ऐसा लाउड म्यूजिक या कोई भी नॉइज़, शोरगुल वगैरह, ये हो गए सिचुएशनल बैरियर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड हमारा है इंडिविजुअल बैरियर्स। सम ऑफ द इंडिविजुअल बैरियर्स आर एज फॉलोज। इनको और भी मतलब कैटेगराइज किया गया है, यानी कि इंडिविजुअल बैरियर्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। इंडिविजुअल, जैसे कि आप समझ रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर इंसान से कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी एक इंडिविजुअल बैरियर है, वो किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यहाँ पर मैं ये लैंग्वेज, ये जो आपको वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम, आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तभी देख रहे होंगे, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता वो स्टार्टिंग में देखता, इंग्लिश लैंग्वेज सुन के ही चला आता, तो क्या होता है ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, यानी कि अगर कोई इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, कोई भी एक इंग्लिश में बात कर रहा है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, तो क्या हुआ, ये इनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगी, नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज जो सेंड किया जाता है और रिसीवर के वो समझ में भी आना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये प्रोसेस नहीं हो पा रही, तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी। स्पीच डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कैन डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, जैसे कि कोई तोतला है नहीं बता पा रहा है, छोटे बच्चे को जैसे कि ले लीजिए, तो इस तरीके से क्या होती है, उसकी बातें हम नहीं समझ पाते, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, वो एक बैरियर के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट हो जाता है इंडिविजुअल बैरियर का एक पार्टिकुलर जो कह सकते हैं वो क्या हो गया, एक पॉइंट, इनअटेंशन। इफ़ द लिसनर इज़ प्री ऑक्यूपाइड और डिस्ट्रैक्टेड और जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, यानी कि कोई भी लिसनर है जो कि कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है, बच्चे से आप पढ़ाई की बातें करो तो उसका मन हटने लगता है, तो जब उसका मन नहीं करेगा तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी, बिल्कुल नहीं, तो यही क्या हुआ, ये एक तरीके से इनअटेंशन, यानी कि जब अटेंशन नहीं होगा तो ये भी एक बैरियर है, इंडिविजुअल बैरियर आएगा कि इस बच्चे का ही मन नहीं लग रहा, तो ये इंडिविजुअल बैरियर में आ गया कि भाई अटेंशन नहीं लग रहा तो उनकी बात को नहीं सुनेगा और कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट, इमोशंस ऑफ द सेंडर एट द टाइम ऑफ इनकोडिंग में रिजल्ट इन द यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और टोन दैट में लीड टू मिस कम्युनिकेशन। जो इमोशनल स्टेट होती है वो क्या करती है, किसी भी सेंडर की इमोशनल स्टेट है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक तरीके से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है या किसी तरह से, तो उसके रॉन्ग वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है या टोन यूज़ कर सकता है, जो कि क्या कर सकता है, मिस कम्युनिकेशन को लीड कर सकता है। लाइकवाइज, और जैसे ये सेंडर के साथ हो सकता है, वैसे ही इमोशनल स्टेट ऑफ रिसीवर ये भी मैटर करती है, तो लाइकवाइज रिसीवर के साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि रिसीवर मिस इंटरप्रेट द मे
यहाँ पे मेन नहीं मे होगा. लाइक वाइज द रिसीवर मे मिस इंटरप्रेट द मैसेज ड्यू टू हिज इमोशंस. यानी कि इमोशनल स्टेट का भी होना, ये क्या हुआ, अगर इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है तो ये एक इंडिविजुअल बैरियर का पार्ट है. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल पे बने हुए हैं तो इट मीन्स आपको बातें समझ में आई हैं. सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको सजेशंस भी कुछ देने हैं, कुछ इसमें कमी लगी है, तो वो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इस और भी टॉपिक्स, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.